हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ऐसा पहली बार हुआ है कि कल होली थी और मैं होली के जस्ट नेक्स्ट डे शूट कर रही हूँ। मतलब कभी ऐसा पॉसिबल ही नहीं हुआ, क्योंकि इतना पक्का रंग हम लोग खेलते थे कि मेरे पूरे हाथ पिंक और ये कानों के अंदर पूरा पिंक पिंक, फेस से पिंक पिंक, वो कलर जाते जाते कम से कम हफ्ता या 10 दिन तो ले ही लेता था। बट इस बार नो पक्का रंग। मतलब खेला वैसे बाकियों ने, बट मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया और मुझे किसी ने लगाया भी नहीं, थैंक गुडनेस। बट एक चीज़ जो बहुत अच्छे से कलर हुए वो है मेरे बाल। सी, ये क्या है? पूरे रेड कलर के हो गए हैं। पता नहीं क्यों कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ या क्या रीज़न है कि मेरे बालों पे लाल गुलाल ज़्यादा लगा, लाल लाल लाल, उस चक्कर में मेरे बाल ही लाल हो गए। अच्छा है फॉर अ चेंज कलर चेंज हो गया, बट इतने रफ हो गए हैं आप एक बार देखो इन्हें, धो के कंडीशनर किया हुआ है मैंने, उनकी हालत देखो। सो गाइज, आज वाली वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाली है, कि आज मैं ट्राई करने वाली हूँ रेडी टू वियर साड़ीज़। अगर आप लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो करते हो या जानते हो, तो आप लोगों को पता है कि मेरा और साड़ीज़ का कैसा रिश्ता है, कि मुझे साड़ी बांधनी बिल्कुल नहीं आती, हमेशा ये काम मेरे लिए मासी करती हैं। बट जिसने भी ये इन्वेंशन किया रेडी टू वियर साड़ी वाली, उस बंदे के लिए थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने कितना आसान किया है हमारा काम, मुझ जैसी लड़कियों का जिन्हें साड़ी बांधनी नहीं आती। दो मैं बहुत प्रैक्टिस करूँगी तो सीख जाऊँगी, बट जब रेडी टू वियर साड़ीज़ मार्केट में आ गई है तो बस आज हम लोग ट्राई करने वाले हैं रेडी टू वियर साड़ीज़ फ्रॉम मीशो। बहुत ही अफोर्डेबल सस्ती साड़ीज़ मैंने ढूंढी है। आई जस्ट विश कि इनकी क्वालिटी पहन के लुक मज़ा आ जाए, तो बहुत प्यारे आर्टिकल्स मिल जाएंगे मुझे भी और आप लोगों को बताने के लिए भी। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट है मेरे पास ये वाली साड़ी है, ये थोड़ी सी कॉस्टली दिखा रहा है, इसका प्राइस 753 अभी दिखा रहा है, मैंने 751 का इसको मंगवाया है। बहुत ही प्यारे प्यारे कलर्स के ऑप्शंस हैं इसमें। सो इसका नाम लिखा है रेडी टू वियर गॉर्जियस मल्टी कलर जॉर्जेट नायलॉन पैडिंग प्रिंट स्टिच्ड, बहुत बड़ा सा नाम है, फ्री साइज, फैब्रिक इज शिफॉन, सेपरेट ब्लाउज। खोल के देखते हैं। नायलॉन पैडिंग प्रिंट स्टिच साड़ी विद अनस्टिच्ड ब्लाउज। ओके, ब्लाउज अनस्टिच्ड। ओके, सो इसके साथ आपको मिलेगा ये अनस्टिच्ड ब्लाउज, इसको आपको खुद स्टिच करवाना पड़ेगा। कहीं बारी तो ये चीज़ अच्छी लगती है कि ठीक है कपड़ा दे दिया अपने हिसाब से आप स्टिच करवा लो, बट पता नहीं कि मुझे होता है कि आप स्टिच करके दे दो, आप बड़ा ब्लाउज दे दो, मैं उसको अल्टर करके अपने साइज़ का कर लूँगी, बट सिल के दे दो, ऐसे कपड़ा मत भेजो। मतलब ऐसा जब साड़ी बिल्कुल रेडी टू वियर आ रही है तो ब्लाउज़ भी तैयार होकर आए, वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है ना, कि बस आई फटाफट थोड़ा सा अल्टर कराया, पहनने के लिए तैयार, ब्लाउज़ दो टेलर को सिलने के लिए। ओके, सो ये है साड़ी। साड़ी का फैब्रिक छूने में इट्स गुड, और इसमें ना काफ़ी ग्लिटरी सा फील है, अगर आप क्लोजली देखोगे तो पूरे कपड़े में से ग्लिटर ग्लिटर दिख रही है। आई होप आपको वो कैमरा पे दिख रहा हुआ हो। ये चीज़ पहले ही बता दूं कि साड़ी रेडी टू वियर साड़ीज़ में ऐसे मल्टीपल, मतलब लाइक ऐसे हुक होता है, और इसमें ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, लाइक अपने वेस्ट के हिसाब से, ऑप्शंस बोल रही हूँ, अपनी वेस्ट के हिसाब से आप इसमें किसी में भी लगा लो। ये चीज़ बहुत अच्छी है, ये फ्री साइज़ आती है, तो मोटे से मोटे, पतले से पतले, हर टाइप के बंदे को ये आ जाती है, बेस्ट थिंग। एंड देन इसकी प्लीट्स नो डाउट बहुत सुंदर है, बट मुझे एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये, बट ऑब्वियसली इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं मिलेगी, जब आप खुद साड़ी ड्रेप करते हो तो आपके हाथ में होता है, आप कितने भी प्लीट्स बांध लो, पल्लू छोटा बड़ा रख लो, बट इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपका जैसे मेरे केस में क्या होता है, मुझे थोड़े से ज़्यादा प्लीट्स पसंद है, मुझे है कि थोड़े से भर के घूम आए, बट इस साड़ी में इतने नहीं हैं, तो बस वो एक चीज़ मुझे लग रही है कि आई विश थोड़े से प्लीट्स और दे देते, बाकी तो सब कुछ सही है। चलो इसको फटाफट पहन के देखते हैं। सो गाइस, मैं सारी साड़ीज़ बिकॉज अनस्टिच ब्लाउज़ है, तो मैं टॉप के नीचे पहन के दिखाऊंगी, क्योंकि ये खुद ब्लाउज़ जैसा लग रहा है। वैसे मैंने इसको मिंत्रा से मंगवाया, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और मैंने नीचे पहना हुआ है ये साड़ी शेवियर फ्रॉम ज़िवामे, ये मैंने बहुत पहले मंगवाया था। अगर आप लोगों ने मेरे बहुत पुराने वीडियोज़ देखे हैं तो आपको पता होगा, नहीं पता तो बता रही हूँ कि मैंने इसको ज़िवामे से मंगवाया है। सो ये साड़ी हम लोग फर्स्ट ट्राई कर रहे हैं, ये आएगा सामने, ऑफ कोर्स प्लीट्स हैं, एंड देन ये रहेगा कुछ ऐसे, फ्रंट पे रहता है, ये आता है यहाँ से, और फिर आपको अपने वेस्ट के हिसाब से, लाइक मेरा वाला अराउंड इसमें जाएगा, यस, और फिर यहाँ से घुमा के योर पल्लू इज रेडी। पहली, सो गाइज, आपने देखा कितना इजी था इस साड़ी को पहनना, एंड दिस इज़ दी ओनली रीज़न कि मुझे ऐसे रेडी टू वियर वाले साड़ी जितने पसंद आते हैं। मतलब
विद इन सेकेंड्स मैंने साड़ी पहन ली, और अगर आप मुझे बोलो वो नॉर्मल साड़ी पहनने के लिए, मैं उसी में उलझी रह जाऊँगी तब भी वो बात नहीं आएगी। और ये कितनी सुंदर लग रही है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है, कलर्स इतने प्रिटी हैं। बस एक वो ही मुझे चीज़ लग रही है कि मुझे प्लीट्स थोड़े से कम लग रहे, एक दो और ज़्यादा हो तो और मज़ा आ जाता। बट गाइज ये साड़ी बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत ही कम्फर्टेबल, बहुत ही आराम से आप इसको पहनो। ब्लैक कलर का स्टाइलिश सब ब्लाउज स्टिच करवाओ एंड आप ही आप देखो, इस साड़ी में मैं लिटरली भाग सकती हूँ। एंड वो बॉलीवुड स्टाइल की वीडियोस बनाने का जब मेरा मन करता है कहीं मैं पहाड़ों पे, पत्थरों पे, नदी पे जाके उसमें ना यहाँ वहाँ ऐसे वैसे चढ़ना पड़ता है तो बहुत डर लगता है साड़ी ना खुल जाए, बट इसमें तो मैं आराम से चढ़ूंगी। आई एम लविंग दिस। नेक्स्ट जो साड़ी है इसका बहुत ही प्यारा सा नाम है, इसका नाम है क्रश साड़ी, और ये भी थोड़ी सी कॉस्टली है। लाइक कॉस्टली तो नहीं है, साड़ी के हिसाब से 752 एंड वो प्री ड्रेप्ड आपको मिल रही है तो ठीक है। अगेन फ्री साइज फैब्रिक शिफॉन ब्लाउज का पीस मिलेगा, यार ब्लाउज सिल के दे देते। बहुत सुंदर साड़ी है यार, बहुत सुंदर है ये साड़ी, अगर आप इसकी फ़ोटोज़ देखो। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको खोल के देखने के लिए, आई कांट वेट एनीमोर। सो ये है इसका फैब्रिक, दिस फैब्रिक इज क्रेप एंड दिस इज शिफॉन। ठीक है, फैब्रिक ठीक ठाक सा लग रहा है मुझे। अगर आप इसका ब्लाउज ऐसा साइज स्टिच करवाओगे जैसा यहाँ पे है तो ये काफ़ी सही लगेगा, बट पता नहीं क्यों क्वालिटी बहुत वाव नहीं लग रही। साड़ी देखते हैं। ओके गाइस, सो दिस इज द साड़ी, बट ये प्री ड्रेप्ड कैसे है? हाँ गाइस ये प्री ड्रेप नहीं है, इससे प्लीट्स वगैरह कुछ नहीं बन के आई, रेडी टू वेयर नहीं है, आपको खुद बांधनी होगी। बट फिर ये रेडी टू वेयर साड़ी इसके ऑप्शंस में क्यों आई? भारी मिस्टेक हो गया सर। ठीक है गाइस का, बट अगर मैं इसकी बात करूँ तो फैब्रिक बहुत अच्छा है, बट इस टाइप की साड़ीज़ मैंने कभी पहनी नहीं है। बहुत ही ऐसे स्प्रिंगी टाइप का फैब्रिक है इसका, ऐसे स्प्रिंग वाला फील दे रहा है ना, टाँ टाँ टाँ। चलो पहन के देखते हैं। जेन्युइनली बोलूँ तो मुझे इस साड़ी का आगे पीछे उल्टा नीचे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैंने अभी जस्ट टेम्परेरी सा इसको मैंने ड्रेप किया है। वैसे इसका फैब्रिक इज़ गुड, अगर इसको बहुत अच्छे से ड्रेप किया जाए तो बहुत ही एलिगेंट स्टाइलिश मॉडर्न टाइप की साड़ी ये लग रही है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने इसके प्लीट्स कैसे बनाए हुए हैं। ये देखो कितना मोटा सा मैंने यहाँ से किया हुआ है। अगर कोई बंदा मोटा नहीं है ना, वो मुझसे साड़ी ड्रेप करवाए तो वो मोटा ही लगेगा। बट ये है कि अगर मैं थोड़ा सा टाइम लेके पेशेंटली ड्रेप करूँ तो मैं अच्छा ड्रेप कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे साड़ी बांधनी धीरे धीरे आती जा रही है। सो गाइज ये बहुत ही प्यारी साड़ी है, इसके प्राइस के हिसाब से इट्स रियली गुड और मुझे अच्छी लग रही है। नेक्स्ट है मेरे पास ये वाली साड़ी, और इसका नाम यहाँ पर लिखा है अभी शारिका सुपीरियर साड़ीज, और ये सिर्फ 584 रुपीज़ की है। ये मुझे ना काफ़ी, इसमें रफ़ल्स है बहुत सारे, इसके पल्लू में फैब्रिक इज़ जॉर्जेट, इसमें ना पूरे ऐसे रफ़ल्स लगे हुए हैं इसके पल्लू में, तो वो चीज़ सुंदर लग रही थी। ये साड़ी ना साड़ी कम लहंगे का फील ज़्यादा दे रही थी, तो मैंने सोचा इसको मंगवा के देखते हैं। वो अभी इतनी सस्ती मिल रही है तो आई हाय, ब्लाउज़ किसी का भी स्टिच होके नहीं आया, मुझे लगा था शायद स्टिच करके ब्लाउज़ भी देंगे। सो ये है ब्लाउज़ का कपड़ा, इसे अपने स्वाद अनुसार स्टिच करवा लो, फुल स्लीव्स का, स्लीवलेस जैसा भी आपको चाहिए, एंड देन दिस इज द साड़ी। ओके मैं तो मुझे लग रहा खो ही जाऊंगी। हाँ ये पल्लू है, देखो गाइस पल्लू पूरा रफल डिटेल है इसमें, सी। सो गाइस बहुत देर तक ढूंढने के बाद मुझे समझ आया, और ये गंदा हो रहा है, इसका पल्लू काफी गंदा हो रहा है, शायद किसी ने रिटर्न की होगी। मुझे समझ आ गया है कि ये भी, ओ ये तो काफ़ी गंदी हो रही है, कि ये आपको खुद ही बांधनी पड़ेगी, ये भी बंध के नहीं आई। बट फिर ये सारी साड़ीज रेडी टू वेयर साड़ीज के सेक्शन में क्यों आ रही थी? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। चलो इसको पहनते हैं। ये साड़ी मुझे काफ़ी सुंदर लगी, काफ़ी वाइब्रेंट से कलर्स हैं इसके, बहुत प्रिटी लग रही है, और मैंने इसको बहुत आराम से पहन भी लिया। इसका फैब्रिक इज सो गुड, और मैं खुश हूँ कि मुझे कोई पहली साड़ी मिली जो एटलीस्ट मेरे इस टॉप से मैच कर रही है, और इसकी ये रफ़ल डिटेल एक अलग सा स्पार्क भी ऐड कर रही है, और इसमें ना यहाँ पर लेस भी लगी हुई है। सो ये साड़ी मुझे पसंद आई, दिस इज़ नाइस, आई एम लविंग दिस। नेक्स्ट जो मैं आपको साड़ी दिखाने वाली हूँ बहुत ही सस्ती है, सिर्फ 319 रुपीज़ की। इसका नाम यहाँ पे लिखा है जॉर्जेट एम्ब्रॉयडरी वर्क हार्ट शेप साड़ी विद ब्लाउज पीस, और ये बिल्कुल वैलेंटाइन से पहनने वाला आर्टिकल है, लाइक वैलेंटाइन के लिए बिल्कुल परफेक्ट साड़ी, कभी आपका वैलेंटाइन पे साड़ी पहनने का मन करे तो ये मंगवा लेना। फ्री साइज़ है, ब्लाउज का कपड़ा है, फैब्रिक इज़ जॉर्जेट, ब्लाउज फैब्रिक इज़ इटालियन सिल्क, पैटर्न इज़ एम्ब्रॉयडर्ड। फटाफट खोल के देखते हैं। गिफ्ट वाउचर 0 to 1000, लक्की ड्रॉ विनर,
लॉटरी ना लग जाए मेरी. ओके गाइस, सो दिस इज द साड़ी. ये वाली तो मुझे अच्छी लग रही है, बट अगेन नो घूम नथिंग, खुद बांधनी पड़ेगी. ये क्या हो गया मेरे साथ, ये ऐसा क्यों कर दिया मीशो. अबे यार, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे अपनी वीडियो का टाइटल चेंज करना पड़ेगा. प्री ड्रेप लाइक रेडी टू वेयर साड़ी की जगह साड़ीज फ्रॉम मीशो करना पड़ेगा. इसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी. बट गाइस, ये इसके प्राइस के हिसाब से फैब्रिक इज सो गुड. और ये जो हार्ट्स बने हुए हैं ना, ये एम्ब्रॉयडरी की हुई है, थ्रेड वर्क है ये पूरा. तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं. एंड देन इसका पल्लू आप देखोगे ना, इसके पल्लू में यहाँ पे टेसल्स लगे हुए हैं. सो अगर आपको ये साड़ी, अगर आपको साड़ीज़ बांधनी अच्छे से आती है और आपको रेड साड़ी चाहिए या साड़ी इन जनरल चाहिए, तो ये बहुत सुंदर लग रही है. आप इसको मंगवा सकते हो. मैं इसको पहनना चाहती हूँ क्योंकि इसके कितनी सस्ती है यार ये, इसके प्राइस के हिसाब से आई एम इम्प्रेस्ड. इस साड़ी में आपको प्रॉपर ब्लाउज़ वाला फील भी दिखाने के लिए मैंने इसके कपड़े को यहाँ पे एज ए ब्लाउज टेम्पररी टाई किया है. आप अभी जिस तरीके से मैंने साड़ी ड्रेप की हुई है उस पर मत जाना प्लीज़, आप फील पे जाओ. ये साड़ी बहुत सुंदर है, मतलब इतनी सस्ती साड़ी है, लाइक उसके हिसाब से ये एम्ब्रॉयडरी इतनी नीट, इतनी क्लीन, कपड़े की क्वालिटी सो गुड, बहुत वाओ, बहुत ही प्यारा आर्टिकल लग रहा है ये मुझे. इस साड़ी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ. बहुत ही गर्लिश भी लग रही है. अगर आप न्यूली मैरिड हो तो भी आप ये मंगवा सकते हो. आपको वैलेंटाइन से पहननी हो, चीज़ें पहले बोल चुकी हूँ, या फिर कॉलेज, ऑफिस, फेस्ट, किसी भी चीज़ के लिए मंगवाओ. बहुत प्यारी लग रही है, लाइक कोई बता नहीं सकता कि ये इतनी सस्ती साड़ी है. अरे बहुत सुंदर लग रही है मुझे. अगर आपको साड़ी चाहिए तो प्लीज़ ये वाली मंगवा लो, और आपको ड्रेप करनी आती है तो. नेक्स्ट है ये पर्पल कलर की साड़ी, वॉयलेट पर्पल, और ये भी बहुत सस्ती है, लाइक सिर्फ 453 रुपीज़ का इसका प्राइस अभी दिखा रहा है. फैब्रिक इज जॉर्जेट, और ये मुझे खुद बांधनी पड़ेगी, फिर क्या ही खोलूँ यार. तो बहुत गड़बड़ सी कर दी मैंने, मेरी गलती है, मीशो की गलती है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा. पहनते हैं इसको. इस वाली साड़ी में ब्लाउज़ का कपड़ा अटैच हो के आया है, तो उसकी वजह से ये पल्लू बहुत लंबा हो गया है, वो काटना पड़ेगा. इसका जो ब्लाउज़ यहाँ फ़ोटोज़ में, अगर कुछ इस स्टाइल का ही आप बनवाओ मैंने इस साड़ी को पहनो तो बहुत सुंदर लगेगी. ये साड़ी बहुत प्यारी है, फैब्रिक बहुत अच्छा, कलर बहुत सुंदर मुझे इसका लग रहा है. जो चीज़ें पहले बोल रही थी, जो साइज़ आप खुद ड्रेप करते हो उसमें आपके हाथ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपको कितने प्लीट्स बनाने, कम या ज़्यादा, से मैंने काफ़ी सारे बनाए हैं. मुझे ना थोड़े भरे भरे प्लीट्स सुंदर लगते हैं. सो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ही सिंपल, डिसेंट, एलिगेंट सी साड़ी है ये. एंड इसका फैब्रिक बहुत कम्फर्टेबल है, कुछ इस टाइप का फैब्रिक मुझे अच्छा लगता है साड़ीज़ में, जो आपकी बॉडी शेप के हिसाब से खुद को खुद एडजस्ट कर ले, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े. नेक्स्ट जो साड़ी है, इसके नाम में ही लिखा रेडी टू वियर शिमर पैडिंग साड़ी. नाम में लिखे होने से क्या होता है भगवान, काश ये तो रेडी टू वियर हो. इसका नाम, इसका प्राइस वैसे 653 दिखा रहा है अभी, और ये है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कलर्स हैं, बट मैंने इसका मंगवाया है पर्पल कलर. नो बॉर्डर, ओकेजन इज पार्टी, बॉर्डर विथ नो, फैब्रिक इज शिफॉन. साड़ीज़ में मुझे शिफॉन एंड जॉर्जेट कपड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो मुझे साड़ीज़ वैसे नहीं संभलती, अगर वो शिफॉन हो, अगर वो ऑर्गेन्जा हो या वैसे दूसरे टाइप के फैब्रिक्स होते हैं ना, तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है. शिफॉन एंड जॉर्जेट फिर भी थोड़ा सा सही सा रहता है. चलो उसको देखते हैं. सो सेपरेट ब्लाउज़ आया है, ब्लैक कलर का कपड़ा. ब्लैक क्यों दिया हमको, तो ये समझ नहीं आ, इसमें तो कहीं ब्लैक नहीं है दूर दूर तक. सो दिस इज़ रेडी टू वियर साड़ीज़, थैंक गुडनेस. इसका फैब्रिक बहुत वाव तो मुझे नहीं लग रहा है, ओके ओके सा लग रहा है, और बहुत ही धागे निकल रहे हैं यार इसके यहाँ वहाँ से. पहन के देखते हैं इसको. सो गाइस, अगेन इट्स रियली इजी टू वेयर दिस साड़ी. ये भी रेडी टू वेयर साड़ी है, बट ना ये थोड़ी सी सी थ्रू बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि आप पेटीकोट कौन सा पहन रहे हो. लाइक मेरा, आई डोंट नो वो कैमरा पे दिख रहा है या नहीं, बट इन पर्सन इन रियलिटी बहुत क्लियरली दिख रहा है कि मैंने अंदर स्किन कलर का पेटीकोट पहना हुआ है, तो मे बी शायद पर्पल कलर का पेटीकोट बेटर जाएगा इस पे. फैब्रिक इसका बहुत वाव नहीं है, सो ये फैब्रिक इसका बहुत वाव नहीं है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी ऐसे उठी उठी सी भी रह रही है. वैसे सही है इसके प्राइस के हिसाब से, इट्स गुड, बट मुझे ये थोड़ी सी ओके ओके लगी. वैसे इसके फैब्रिक में भी प्रॉपर शाइन है, तो इसको भी आप ऐसे पार्टीज़ वगैरह में यूज़ कर सकते हो. ठीक है, कलर्स बहुत सारे थे इसमें. एंड लास्ट जो साड़ी है, इसका नाम लिखा है वो इसका नाम लिखा हुआ है जीविका ग्रेसफुल रेडी टू वेयर साड़ीज, यानी 730 की. ये वाली मैंने पहन चुकी हूँ, इसको पहन के मैं एक दिन रील शूट करने गई थी, तो ये वाली मुझे अच्छी लगी थी, तभी मैंने इसको खोल के पहना. एंड ये रेडी टू वेयर ही है क्योंकि मैं इसको खोल के देख चुकी हूँ. इसका फैब्रिक इज जॉर्जेट साड़ी विद मल्टीपल ब्लाउज, फैब्रिक ब्लाउज इज जॉर्जेट. खोल के देखते हैं.
सो इसका प्रिंट बहुत सुंदर है, वाइट कलर की साड़ी पे पिंक फ्लावर्स एंड ग्रीन कलर की लीव्स बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल स्प्रिंग वाले कलर्स है इसके। समर्स में आप इसको आराम से पहनो वैसी वाली साड़ी, ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, पहन के बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये साड़ी, मुझे काफ़ी पसंद आई। तो ये है इसका कुछ फ्रंट, कहाँ गया इसकी प्लीट्स, यस यही है शायद फ्रंट, फ्रंट नहीं ये है, यस सो ये है इसके प्लीट्स। सो ये अच्छी है। इसका ब्लाउज का कपड़ा कहाँ है, मे बी शायद इसी, इसका ब्लाउज का फैब्रिक मुझे नहीं मिल रहा है, मे बी शायद वो इसी में से ही कटेगा, हाँ शायद। चलो इसको ट्राई करते हैं। ये साड़ी मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, खुशी वैसे मुझे इस चीज़ की ये दूसरी साड़ी है जो मेरे इस टॉप से मैच कर रही है। ये वाली पूरी क्लिप्स में ले चुकी थी मैं, लास्ट क्लिप भी ले चुकी थी, फिर मैंने देखा कि मेरे वीडियोज़ में आवाज़ नहीं आई, तो मुझे दोबारा साड़ी पहन के सब कुछ दोबारा से शूट करना पड़ रहा, मैं भूल ही गई हूँ। इस बार तो मैंने इसको उतना अच्छे से ड्रेप भी नहीं किया, ऐसे ऊपर से ही पहना हुआ है। इसका फैब्रिक भी मुझे बहुत पसंद आया, इसका प्रिंट एंड कलर्स की तो मैं पहले ही तारीफ़ कर चुकी हूँ, लाइक वाइट पे पिंक फ्लावर्स ग्रीन लीव्स, तो बहुत ही सुंदर डिसेंट सी काफ़ी गर्लिश सी साड़ी है ये भी। इसका भी जो ब्लाउज़ का कपड़ा है वो इसी में अटैच्ड है, वो यहाँ पे लटक रहा है, लास्ट टाइम तो मैंने इसको टक कर दिया था, जब मैंने वो भी करना ज़रूरी नहीं समझा, सो आपको कटवाना पड़ेगा, अपने हिसाब से प्यारा सा ब्लाउज स्टिच करवाओ इसका, तो ये भी बहुत सुंदर लगी मुझे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मुझे सारी साड़ीज़ बहुत सुंदर लगी। हाँ एक या शायद दो में ऐसा हो कि मुझे फैब्रिक थोड़ा सा कम पसंद आया, बट मैं एक चीज़ आप लोगों को बोलूँगी, साड़ी मंगवाते वक्त आप लोग अगर आप प्री ड्रेप साड़ी ढूंढ रहे हो या रेडी टू वियर साड़ी ढूंढ रहे हो तो आप चेक करना, लाइक मेक श्योर करना ऑर्डर करने से पहले कि वो प्री ड्रेप्ड ही आ रही है, क्योंकि मैंने जाके ऊपर सर्च किया था मीशो पे प्री ड्रेप्ड या रेडी टू वियर साड़ी, तो उसमें जो ऑप्शन आए मैंने वो ही मंगवाए, बट फिर भी ऐसा हुआ कि दो या शायद तीन साड़ीज़ मुझे खुद टाई करनी पड़ी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना, बट अदरवाइज़ मुझे अच्छी लगी, प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे पीसेज आपको मिल जाएंगे, सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलो गाइस बाय बाय।